आपकी फिजिकल उम्र, आपकी फिजिकल एज तो कोई भी आपके लुक्स, आपके अपीयरेंस से गेस कर सकता है, पर आपकी मेंटल एज, हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे कई लोगों से टकराते हैं जो उम्र में परिपक्व यानी मच्योर तो दिखाई देते हैं, पर उनके विचार, उनकी थिंकिंग छोटे बच्चों जैसी होती है। वहीं कुछ ऐसे नौजवान भी होते हैं जिनमें जबरदस्त धीरता और गंभीरता और डिसिप्लिन दिखाई देता है। इनसे मिलकर लगता है इनकी मानसिक उम्र बहुत अधिक है, काफी एक्सपीरियंस लगते हैं ऐसे लोग। तो हमने सोचा क्यों ना आज हमारे दर्शकों को मौका दे अपनी मेंटल एज पता लगाने का। आज का हमारा एक क्वेश्चन ईयर, ये सवाल जवाब का सिलसिला आप लोगों को अपनी मेंटल एज गेस करने का मौका देगा, बशर्ते आप पूरी ईमानदारी से इंस्टेंटली यानी तुरंत ही अपने ऑप्शंस, अपने विकल्प चुन ले विद इन 7 सेकेंड्स यानी 7 सेकेंड्स के भीतर। अगर आपने जरा भी अपने दिमाग को सोचने का मौका दिया तो रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो अपने दिमागी उम्र जानने के लिए आपको फर्स्ट चॉइस, पहली बार में पसंद आने वाले विकल्प को चुनना है, तभी ये क्विज काम करेगा। हर सवाल के बाद आपको हर विकल्प के लिए मिलने वाले अंक दिखा दिए जाएंगे। दर्शकों से अनुरोध है इन अंकों को जोड़ते चलें। आखिर में आपके द्वारा पाए गए अंकों के आधार पर आपकी मेंटल एज की जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इनमें से कोई एक चुने। ए भेड़िया, बी जिराफ, सी हाथी, डी बंदर, ई घोड़ा। कितने अंक मिले आपको, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इनमें से कोई एक चुने। ए चॉकलेट चिप कुकी, बी चॉकलेट, सी गुजिया या हलवा, डी पेस्ट्री, ई क्रीम रोल। तो कितने अंक मिले आपको, अरे भाई नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, आपका फैशन सेंस किस किस्म का है, आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ए फॉर्मल, बी फ्यूचरिस्टिक फैशन, कह लें रणवीर फैशन, सी कैजुअल, डी स्पोर्टी, ई जो मिले वही सही, कुछ भी पहन लेते हैं। तो कितने मिले आपको, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, इन ज्योमेट्रिक शेप्स में किसे चुनेंगे आप। ए बी सी डी या ई। जो अंक मिले उन्हें नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, पैसा आपकी जिंदगी में कितना महत्व रखता है। ए 0%, बी 10%, सी 25%, डी 50%, ई 100%। जो भी अंक मिले नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, अगर तेज बारिश वाला दिन हो और आप घर पर अकेले हो तो समय किस तरह बिताना चाहेंगे आप। ए सोकर, बी टीवी या मूवी देखते हुए, सी अपने हाथ का कुछ बनाकर खाना चाहेंगे, डी कुछ पढ़कर, ई वीडियो गेम खेलते हुए। तो कितने अंक मिले आपको, नोट करते चलिए। अभी 4 सवाल और बाकी है। नंबर 7, इनमें से कोई एक गेंद चुनिए। ए बी सी डी ई। अंकों को जोड़ते चलिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, इनमें से कौन से दिन का आपको बेसब्री से इंतजार होता है। ए परिवार में सेलिब्रेट की जाने वाली एनिवर्सरीज का, बी अपने जन्मदिन का या आपके पसंदीदा त्योहार का, सी स्कूल या कॉलेज का एनुअल फंक्शन, डी छुट्टियों का पहला दिन, ई नए साल की सेलिब्रेशंस का। तो क्या चुना आपने और कितने मिले आप, कीजिए अंक नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, क्या आप अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं। सेहत को लेकर सतर्कता बरतते हैं। ए ना ना कभी नहीं, बी मैं समय समय पर परहेज करता हूं,
सी सामान्य ध्यान देता हूँ सेहत की ओर, डी मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ सेहत को लेकर, ई स्वस्थ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो क्या चुना आपने? नोट कर लें अपने अंक। नंबर 10, आपका फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इनमें से क्या होगा? ए समुद्र किनारे, बी अम्यूजमेंट पार्क एडवेंचर पार्क, सी किसी म्यूजियम में इतिहास को जानते हुए, डी किसी नए शहर को घूमने का लुत्फ उठाएंगे, ई गाड़ी में बैठे बैठे साइट सीइंग करना चाहेंगे। अब आप थोड़ी देर पॉज करके अपने अंक जोड़ लीजिए, क्योंकि अब आपके सामने आने वाले हैं नतीजे। रिजल्ट्स, अगर आपने 100 से 170 अंकों के बीच पाया है तो आपकी मेंटल एज है 5 से 12 वर्ष। आपके अंदर अभी भी बचपन जिंदा है। मौज मस्ती करना आपको काफी पसंद है। आप हर वक्त ऊर्जा और उत्साह से भरे रहते हैं। आप कुछ हद तक सेल्फ सेंटर्ड हैं, आत्म केंद्रित सोच रखते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपको अपने आसपास कौन कौन है और उनके साथ कैसा आपको व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनके प्रति भी आपको सोचना चाहिए, ये सीखना होगा। मजे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर सबको साथ लेकर। अगर आपने 180 से 260 के बीच अंक प्राप्त किए हैं तो आपकी मेंटल एज 13 से 20 वर्ष है। आपकी पर्सनालिटी जिम्मेदार और फन लविंग दोनों ओर इशारा करती है। आपको पता जरूर है अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, पर आप हर बार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में एफर्ट नहीं लगाते, मेहनत नहीं करते। आपका मूड लगातार स्विंग होता रहता है, यानी बदलता रहता है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो कुछ रास्ता निकालिए जिससे आप मौज मस्ती तो करें पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए। अगर आपने 270 से 350 अंकों के बीच पाए हैं तो आपकी मेंटल एज है 21 से 35 वर्ष। आपका व्यक्तित्व लगभग परिपक्वता को छूने वाला है। आपकी सोच लगभग वयस्कों की तरह होने वाली है, पर हुई नहीं है। आपको अब धीरे धीरे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मालूम होता जा रहा है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा। आप सिचुएशंस को गंभीरता और जिम्मेदारी से हैंडल करते हैं केवल तब जब परिस्थितियां या सिचुएशंस वैसी क्रिएट हो जाएं, हमेशा नहीं। लेकिन आपको पता है कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में मौज मस्ती का समय कैसे निकालें और दोस्तों के साथ अच्छा समय कैसे गुजारें। अगर आपने 360 से 440 अंक पाए हैं तो आपकी मेंटल एज 36 से 50 वर्ष के बीच है। आप एक जिम्मेदार वयस्क की तरह सोचते हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्तित्व वाले हैं जिसे पता है जीवन में किन चीजों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और किसे नहीं। स्थिरता और सुरक्षा आपके लिए एक मुख्य मुद्दा है जिसका आप खास ख्याल रखते हैं कुछ भी करते या चुनते वक्त। आपका जीवन का मुख्य मूल्य आपके दायित्व हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। पर यह करते हुए जरा मौज मस्ती के लिए भी समय निकाला करिए। सोसाइटी भी किसी चिड़िया का नाम है। अगर आपने 440 से भी अधिक अंक प्राप्त कर लिए हैं तो आपकी मेंटल एज 51 वर्ष से अधिक है। आपको पता है कि आपको जीवन से क्या चाहिए। आप एक सोफेस्टिकेटेड पर्सनालिटी वाले इंसान हैं जो चीजों और घटनाओं की डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, पर आपको थोड़ा चीजों को हल्के में लेने की आदत डाल लेनी चाहिए। लाइफ इतनी सीरियस नहीं जितनी आप सोचते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं या जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतते हैं तो उसमें से वह मजा, वह एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। कभी कभी जिंदगी जीने की अप्रोच सिंपल रखनी चाहिए। आखिर जिंदगी जिंदा दिली से नहीं जी तो फिर क्या खाक जी। आप लोगों का क्या लगता है? और जरा कीजिए अपनी मेंटल एज टाइप कमेंट सेक्शन में। हम भी तो देखें हमारे सब्सक्राइबर्स की एवरेज मेंटल एज कितनी है। कीजिए कमेंट। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।